सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडेली ब्लॉगर में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 7:30 बज गए हैं और आज ना पितृपक्ष की शुरुआत भी हो गई है, तो आज पहला श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध। वैसे हमारे घर में तो आज किसी का श्राद्ध मनाते नहीं है, लेकिन पितृपक्ष की शुरुआत जो होती है ना, तो वो हम कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी मैं आज आप लोगों को। और साथ में भैंस दूने का काम भी मेरा हो गया है कंप्लीट, तो यहाँ पे इनका काम जो है ना पूरा ही कंप्लीट कर लिया है मैंने सुबह एक बार के लिए। तो और हरदीपा भी सोया हुआ है, तो वैसे तो रोज़ रोज़ मैं उसको ना उठाती नहीं हूँ, जब वो अपनी मर्ज़ी से उठेगा ना तभी उठेगा, ठीक है। लेकिन आज से श्राद्ध जो है ना शुरू हो गए हैं, तो पितरों का आगमन भी हो गया है, तो आज मैं उसको जल्दी उठाऊँगी। और दरवाज़ा उसका बंद है, तो सारे दरवाजे जो हैं तो खुले हुए होने चाहिए। और श्राद्ध के पहले दिन ही आज ना बारिश लगने शुरू हो गई थी सुबह, तो एक बार तो तब तो मैं अभी झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो मुझे तो लगा कि बारिश ना लगी जाएगी, लेकिन तब तो बारिश खत्म हो गई थी। और अभी भी फिर से हल्की हल्की बारिश जो है ना गिरने लगी, बहुत छोटी छोटी गिर रही है अभी तो बूंदे। हमारे तो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि अगर पहले श्राद्ध में बारिश हो गई ना तो लगातार 16 दिनों तक जो है ना बारिश हो ही जाती है। वैसे 16 तो लगातार होती नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि 5-7 दिन जो है लगातार हो ही जाती है, हमने भी देखा है अपनी आंखों से। और यहाँ पे पतीले में मैंने उड़द दाल भी गोई हुई है, तो श्राद्ध में एक भल्ला और रोटी रोज पितरों को भोग लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने उड़द दाल भी गोई हुई है ना, तो इसको मैं धो करके पहले अच्छे से साफ करूंगी और फिर इसको पीसूंगी। और मौसम तो एकदम से देखिए पीछे को कितनी घनी घनी धुंध पड़ने लग गई है, तो पता नहीं पितर नाराज होके तो नहीं आ रहे हैं कहीं पे। तो उड़द दाल को मैंने धो लिया है, ये देखिए थोड़ी सी डाली थी मैंने वैसे पितरों के लिए, अपने लिए तो चलो बाद में बना लेंगे फिर किसी दिन। अब मैं चल पड़ी हूँ रसोई में। और आज ना सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे कौओं की आवाज़ आ रही है, तो ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर जो है वो कौए बन करके आते हैं भोजन खाने के लिए। तो ये जो पीछे पेड़ है ना, तो इस पेड़ पे बैठे हुए हैं कौए और यहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं, तो मैं तो मान रही हूँ कि हमारे पितर बोल रहे हैं कि जल्दी से हमें खाना बना करके लाओ। तो आ गए हैं हमारे पितर तो सुबह सुबह, मैं तो खुश हो गई हूँ कि मेरे पितर सुबह सुबह यहाँ पे आकर के भोजन मांग रहे हैं मुझसे, तो मैं अभी बनाऊँगी अपने पितरों के लिए खाना। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पे मैंने ना आग दिलाई हुई है चूल्हे में और पानी रखा हुआ है गर्म करने को, तो सभी को स्नान करने है ना, तो हमारा पानी भी गर्म हो गया है और सबसे पहले मुझे ही नहाना है और मुझे ना पात्री डालनी है। तो नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ और पूरे घर में मैंने गंगा जल से शुद्धि कर ली है, तो उसके बाद हम अपने पितरों के आगमन पर जो है ना ऐसे शुरुआत करते हैं, पूजा करते हैं हम अपने पितरों की। पात्री डालेंगे पहले, तो यहाँ पे मैंने पूरा सामान ले लिया है पात्री डालने के लिए, जल लिया हुआ है यहाँ पे और फूल धूप सारे ले लिए हैं। और ये जो पीले फूल लिए हुए हैं ना मैंने यहाँ पे, तो ऐसे बोलते हैं कि पितरों को जो है ना तो पीले फूल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे साथ मैंने चंदन लिया हुआ, वैसे हल्दी लेते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, तो पर चंदन था मेरे ना यहाँ पे पीला, तो मैंने चंदन ही ले लिया है हल्दी के जगह में। और साथ में यहाँ पे मैंने ये लाल मिट्टी ली हुई है, इसको लोहटी बोलते हैं हम, तो वैसे तो गाय के गोबर से लगाते हैं चौक का, जो हम पात्री डालते हैं ना डेली डेली के, तो गाय हमारे है नहीं, तो इसलिए मैं मिट्टी का चौका लगाऊंगी। तो पात्री डालना हम बाहर से करते हैं शुरू, बाहर हमने ना मांडला जैसा स्थापित किया होता है, वहाँ पे एक पत्थर जैसा है, पर अभी ना नया नहीं इसको बनाया है, वहाँ पे गणपति की मूर्ति विराजमान करेंगे हम। अभी हमारा आंगन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब हमारा आंगन कंप्लीट हो जाएगा ना तो तब मैं वहाँ पे आंगन में गणपति जी को विराजमान करूँगी। और साथ साथ में बाहर ना बारिश भी लग गई है, तो पहले तो जल्दी से मैं बाहर पात्री डाल के आऊँगी, नहीं तो फिर मैं भीग जाऊँगी। पात्री डाल दी है मैंने और बारिश भी लगी थी, तो बारिश में ही डालनी पड़ी मुझे पात्री। और ये जो थाली है ना पूजा की, तो इसको रखेंगे अब संभाल करके, और खास कर ये जो जल है ना लोटे में, तो इस जल से हम अपने पितरों को जल पिलाते हैं और जब उनको भोग लगाएंगे ना तो इसी जल को चढ़ाएंगे उनको, तो ऐसी रिवाज है हमारे गाँव में। और आपके कैसे रिवाज है तो आप हमें भी बताना अपने रिवाज। और अब करनी है मुझे खाना बनाने की तैयारी, जो भी खाना बनाना है अपने लिए भी और अपने पितरों के लिए भी, जो भी सिंपल सा हम बनाएंगे उसी का भोग लगाएंगे हम अपने पितरों को। तो अब चलती हूँ मैं रसोई में। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पे चूल्हे में देखिए जो मैंने आग जलाई थी ना, वो मेरी आग जो है वो बुझ गई है। एक तो आजकल ना आग जलाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है, सुबह जलाई थी बड़ी मुश्किल से,
अब फिर से जलाना होगा। और अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो मैंने उड़द दाल धो करके रखी हुई है ना, इनको पीसूंगी भले बनाने के लिए, और मिक्सी में पीसूंगी मैं जल्दी से। ऐसे है तो ये थोड़े से ही ना सिलवट्टे पे भी जल्दी पीस जाने थे, लेकिन बाहर ना बारिश लगी हुई है तो सिलवट्टा जो है मेरा वो बाहर आंगन में रखा हुआ है। तो उड़द दाल को मैंने पीस लिया है ये देखिए, और अब मैं इसको थाली में निकाल लूंगी, और जो भी सारा नमक वगैरह मसाला डालते हैं ना सारा इकट्ठा ही डाल लूंगी मैं, इसमें मिक्स कर लूंगी पहले तो, जैसा कि हम खुद के लिए भले बनाते हैं ना अपने खाने के लिए, उसी तरह से ही पितरों के लिए भी बनाते हैं सारा नमक मिर्च डाल करके। तो अब मैंने यहाँ पे खाना बनाने के लिए भी पूरा सामान रेडी कर लिया है, यहाँ पे आटा भी गूंथ करके रख लिया है, और ये जो मेरे उड़द दाल पीसे हुए हैं ना इसमें भी मसाला डाल करके इसको तैयार कर लिया है, और चूल्हे पे तवा रख लिया है। सबसे पहले तो पितरों के लिए दो रोटी और एक भल्ला पकाना है मुझे। तो भल्ला तो हमारा हो गया है रेडी, और अब बनाऊंगी मैं रोटियां। पितरों का भोजन हो गया है रेडी, और अब इसके बाद बनेगा हमारे लिए अपना खाना। और अब इस भोजन का भोग जो है ना तो हम अपने पितरों को लगाएंगे और फिर उसके बाद खुद खाएंगे खाना। तो भोग हमारा बन के तैयार हो गया है, और उसको ना हम यहाँ पे किसी पत्थर पे ऐसे मतलब रख के छोड़ देते हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर उस भोजन को ना अगर कौवे वगैरह या चींटियाँ या कुछ भी पशु पक्षी आके अगर खा ले तो ये मान्यता है कि जो वो भोजन है तो वो हमारे पूर्वजों ने मतलब ग्रहण कर लिया है। और उस भोजन को बनाती तो महिला ही है ना, लेकिन ऐसी रिवाज है हमारे गांव में कि पुरुष लोग ही छोड़ेंगे उस भोजन को बाहर जब भी अपने पितरों को भोग लगाएंगे, तो या तो हरदीप छोड़ गए या तो इसके पापा छोड़ेंगे। और आज अभी जो भोजन है उसको पापा छोड़ेंगे, क्योंकि मतलब नहा धो के छोड़ते हैं जो भोजन है, तो मैं अभी नहाया नहीं हूँ तो अभी पापा छोड़ेंगे उस भोजन को। जय कर मिश्र पितृ तुम्हारा, सबका सब भाया सब खाया का। तो भोजन हमने यहाँ पे ये छोड़ दिया है पितरों को, और अब ना मतलब रोज़ 16 दिनों तक हमें ये भोजन यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना है, और उसके बाद फिर जब श्राद्ध होता है तो एक मतलब श्राद्ध बनाते हैं, उसमें भी बहुत सारे पकवान बनाते हैं, और ये ऐसा रिवाज होता है मतलब हमारे यहाँ पितरों को ये भोग लगाते हैं। तो पितरों को भोग लगाने के बाद हमने भी भोजन कर लिया है, और ना दोपहर के 12:30 बज गए, बहुत टाइम लगा अंदर मुझे। वैसे ज़्यादातर टाइम तो तब लगता है जब किसी दिन ना ऐसे काम होता है कि आज था देखिए श्राद्ध का पहला दिन ना, तो पूजा पाठ करना था, मतलब पत्री वगैरह डालनी थी, तो साफ सफाई भी करनी थी घर की बहुत सारी। जब घर में ऐसे कुछ काम होता है ना तो उसको टाइम सभी को लग ही जाता है। और मौसम का तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था सुबह भी कि क्या हाल हो गया है आज सुबह से, अभी तो बारिश है नहीं लेकिन बारिश ना बहुत ही जोर की हुई है आज, और पितर जो है ना तो पूरी तरह से शुद्धि करके ही आज पितरों का आगमन हुआ है। तो अब ये शुद्धि तो मेरा ख्याल से लगातार ही होगी 16 दिनों तक। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पितृ पूजन का रिवाज, और अपनी चांदरी और चंदू को भी हमने ना अंदर बांध लिया है, वहाँ पे देखिए पीछे खाली है उनका आंगन, क्योंकि बाहर ना अभी पशुओं को मक्खियाँ काटती है बहुत ही ज़्यादा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश। वैसे बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अब पता नहीं लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। चलो जो लाइक करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।